हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मी एंड बेबी डायरीज। इस वीडियो में मैं 3 साल तक के बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के बारे में बात करूंगी। पर ध्यान रखिए कि ये एक जनरल गाइडलाइंस की तरह है और हर बच्चा इन माइलस्टोन्स को अपने टाइम पर अचीव करेगा, इसलिए कभी भी दो बच्चों को आपस में कंपेयर मत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे की लैंग्वेज दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ी स्लो डेवलप हो रही है तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस है जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो 3rd महीने के एंड तक बच्चा अपने बैकग्राउंड में हो रहे साउंड्स पे रिएक्ट करना शुरू करता है, जैसे अचानक चम्मच गिर जाए तो बिचक जाना। साइड से अगर हम उन्हें आवाज़ दें तो वो हमारी तरफ सर घुमा सकते हैं, और जब हम उनसे बात करें तो वो हमारी तरफ हमारी आँखों में देखते हैं। हर रीज़न के लिए उनके रोने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्हें भूख लगी हो तो वो उस तरह नहीं रोएंगे जैसे वो नींद आने पर रोते हैं। By the end of 6 months वो काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाने लगते हैं। 2 letter sounds जैसे बाबा मामा का इस्तेमाल वो ज़्यादा करने लगते हैं। डिफरेंट फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम उनके साथ खेल रहे हैं, उन्हें हंसा रहे हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, लेकिन वहीं अगर हम उनके सामने रोने की एक्टिंग करें तो वो एकदम सरप्राइज होकर हमें शॉक लुक देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि अगर 6 months पे आपका बच्चा कोई भी साउंड्स नहीं निकाल रहा है तब आप अपने डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर करिए। 12 months पे बच्चा अपना नाम पहचानता है, हमारे इशारों को समझता है। एग्जाम्पल, किसी चीज़ के लिए हम उसे नो कहें तो वो समझता है कि उसे रुक जाना है। जब हम उससे बात करें तो वो हमारे टोन को कॉपी करके उसी टोन में हमें जवाब देने की कोशिश करेगा। किसी चीज़ की तरफ अगर हाथ से इशारा करके हम उसे बताएं तो वो समझ सकता है कि उसे उस डायरेक्शन में देखना है, और इसी के साथ वो खुद भी हाथों से इशारा करके अपनी बातों को कन्वे कर सकता है। जैसे अगर वो चाहता है कि हम उसे उठा ले तो वो अपने हाथ आगे बढ़ा देगा। सो फर्स्ट बर्थडे के आसपास बच्चा 1 से 2 words बोल लेता है। एट 15 months बच्चा हमारे एक्शंस को कॉपी कर सकता है, जैसे क्लैप करना। हमारे बेसिक से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, जैसे वो बॉल उठा लो। कहीं ब्राइट और कलरफुल पिक्चर्स देखें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। 1 से 2 अपने बॉडी पार्ट्स के नाम भी वो बोल सकते हैं, आईज, नोज, और लगभग 50 तक के वर्ड्स वो अब समझ सकते हैं जो वो डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं। ध्यान रहे, अगर 15 महीने पे आपका बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोल पा रहा है तो उसके डॉक्टर से ये बात ज़रूर डिस्कस करिए। 18 months पे बच्चा सिंपल क्वेश्चंस के जवाब दे सकता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। अगर आप उनसे पूछें कि उन्हें कुछ चाहिए तो वो हाँ या ना के हिसाब से अपने सर को हिला के अपना प्रेफरेंस बता सकते हैं। पिक्चर बुक्स में वो उन चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हैं जो वो रोज़ देखते हैं, जैसे बैट, बॉल, एप्पल, और फोटो एल्बम से अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी वो पहचान सकते हैं। इस वक्त वो जो भी वर्ड सुनेंगे उन्हें वो हर वक्त दोहराने की कोशिश करेंगे। सो वी ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल कि हम उनके आसपास क्या बातें कर रहे हैं। 10 to 20 बेसिक वर्ड्स लाइक मम्मा, पानी, ये वो बोल सकते हैं। 21 months पे बच्चा 3 से 4 बॉडी पार्ट्स के नाम बता सकता है। पिक्चर बुक्स में काफी सारी चीजें अब समझने के साथ साथ वो बोल भी सकता है, जैसे फ्रूट्स, एनिमल्स। इसी टाइम के आसपास उसे अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की समझ आने लगती है, जैसे मेरा और आपका में क्या डिफरेंस है, और अब वो अराउंड 50 वर्ड्स बोल सकता है। एट 24 months बच्चा 2 से 3 words को जोड़ के एक सेंटेंस बना सकता है, बट वो सेंटेंस परफेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, जैसे मुझे स्कूल जाना, मैं सो गया। अब वो हमारे 2 combined instructions को एक साथ समझ के फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वो शूज वहाँ से उठा लो और मुझे लाकर दे दो। सो एक 2 साल का बच्चा 50 से 100 words के बीच में बोल सकता है। एक 30 months पे बच्चे के साथ हम सिंपल कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, जैसे पार्क में आपको क्या पसंद है, खाने में आपने क्या खाया, और वो भी हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं, जैसे मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे टॉयज कहाँ है। और इस टाइम उन्हें मुझे और मेरा का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आने लगता है, वरना अब तक वो खुद के बारे में जनरली ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे वो कोई थर्ड पर्सन हो। एग्जाम्पल, बेबी को भूख लगी है, बेबी को ये टॉय चाहिए, तो अब वो बोलेंगे कि मुझे भूख लगी है। एक 3 साल का बच्चा 3-4 words को जोड़ के सेंटेंस बना सकता है। अगेन, ग्रामर परफेक्ट नहीं होगा, बट उनकी 75% बातें इजीली समझी जा सकती है। 3 साल के बच्चे की वोकैबुलरी 200 से 300 वर्ड्स के आसपास होती है। विद दैट, ध्यान रखें कि अगर बच्चा 2.5 से 3 साल के आसपास है और हर बार आपके बात करने पे या किसी सवाल पूछने पे अगर वो जवाब देने के बजाय आपको कोई ब्लैंक लुक दे या आपके सवालों को ही बार बार दोहराएं, तो आप ये बात डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करिए। ऑल्सो प्लीज़ टू रिमेम्बर, इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी बहुत सारी रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट या प्रोफेशनल की एडवाइस को इससे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में।